शासन द्वारा बाल सेवा सम्मान योजना के तहत मार्च 2020 कोरोना काल के समय सामान्य मृतक गार्जियन के दो बच्चों के भरण पोषण करने के लिए 2500-2500 रुपए महीना की सहायता दी जाएगी। जिसके संबंध में जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार बाल सेवा सामान्य योजना लाई है। ऐसे बच्चों के माता पिता जिनकी मृत्यु कोरोना के समय में मार्च 2020 में हो गई थी, उन बच्चों के भरण पोषण करने के लिए सरकार द्वारा बाल सेवा सामान्य योजना लाया गया है। इसके अंतर्गत परिवार के दो बच्चों को 2500-2500 रुपए प्रति महीने की सहायता दी जाएगी, जो कि बच्चों की पढ़ाई व देख रेख के लिए होता है। यह राशि दो रेशियो में दिया जाता है, जो कि पहला तो 0 से 18 वर्ष की सीमा तय की गई है और दूसरा 18 वर्ष से 23 वर्ष की आयु सीमा तय की गई है। इसमें 18 वर्ष के ऊपर के बच्चे मेडिकल की पढ़ाई, स्नातक का कोर्स, इंजीनियरिंग, नेट की तैयारी, नीट की तैयारी के लिए 2500 रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा जिनके माता पिता जेल में बंद हो, उनके बच्चों का कोई देख रेख करने वाला नहीं है, या कोई मजदूर के बच्चे हों जिनका कोई देख रेख नहीं करता है, भिक्षा मांगने वाले बच्चों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा, जिससे उन बच्चों का भरण पोषण शिक्षा मिल सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रोविजन अधिकारी सर्वजीत सिंह ने कहा, बाल सेवा योजना सामान्य मुख्य रूप से ऐसे बच्चों के लिए लाई गई थी जो कोरोना के काल के दौरान माता पिता में से दोनों या किसी एक को खोए थे, लेकिन वो पुष्टि नहीं हो पाई कि कोरोना से हुई है या फिर किसी अन्य कारण से डेथ हुई थी। तो उन बच्चों को भी भरण पोषण को ध्यान में रखते हुए हमारी स्टेट गवर्नमेंट ने योजना लाई, बाल सेवा योजना सामान्य नाम से। इसके अंतर्गत परिवार के अधिकतम दो बच्चों को 2500 रुपये प्रति महीने की दर से धनराशि का लाभ दिया जाता है, जो बच्चे की पढ़ाई और देख रेख के लिए होता है। ये बच्चों को दो श्रेणियों में दिया जाता है, पहला तो उनके 0 से 18 वर्ष का है और दूसरी श्रेणी है 18 वर्ष से ऊपर के ऐसे बच्चे जो स्नातक के कोर्स कर रहे हों, मेडिकल के कोर्स कर रहे हों, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हों, नेट या तैयारी कर रहे हों, नीट की तैयारी कर रहे हों, ऐसे बच्चों को 18 वर्ष के ऊपर के बच्चों को भी 23 साल की उम्र तक के अवधि के दौरान उनको दिया जाता है। अगर स्नातक के कोर्स कर रहे हैं तो स्नातक का कोर्स पूरा होने तक के अवधि के लिए दिया जाता है। तो ये पूरी हमारी स्कीम है। इसके अलावा इस स्कीम में ऐसे बच्चे जो हमारे जिनके माता पिता जेल में बंद हैं, कारागार में बंद है और उनका कोई भरण पोषण करने वाला नहीं है, या हमारे जो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं जो बाल मजदूरी करते हैं, ऐसे बच्चों को पुनर्वासित कराते हुए स्कीम से लाभान्वित करना है, जो भिक्षावृत्ति में है ऐसे बच्चों को, इन तरह के सभी बच्चों को जो कि कहीं ना कहीं उनका प्रभावित हो रहा है, पढ़ाई पोषण पर शिक्षा प्रभावित हो रही है, सभी बच्चों को कवर करने का इसमें प्रावधान किया गया है।